चल यार। सब खत्म हो गया। मेरे दोस्त, ये हिम्मत रखने का वक्त है, हौसला हारने का नहीं। सब क्या हो गया फैज? जानते हो, हमारे घर की पहली खुशी थी, मिट्टी में मिला के चले गए वो लोग, सिर्फ कुछ पैसों के खातिर। कोई इतना बेरहम, इतना जालिम कैसे हो सकता है? पता है, वही खड़ा था, बहुत कुछ नहीं कर सका। वो लोग आज इस फर्श पे से नहीं, मेरे वजूद पर से चल के गए वो लोग। तुम कह रहे हो मैं हौसला रखूं? कैसे नजर मिलाऊंगा मैं इन लोगों से, अम्मी और पापा से, मेरी छोटी बहन से? अब क्या जवाब दूंगा मैं इन लोगों को? रूफी मैम, मैं अभी इसी वक्त हरीम का हाथ थामना चाहता हूं। अगर तुम लोगों को ये प्रपोजल कबूल है तो मैं सोचते पे आमादा हूं। आयस, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? बहुत होशो आवाज में तुमसे बात कर रहा हूं, बहुत मुश्किल से और एहसान नहीं। अगर तुम लोगों के लिए ये प्रपोजल सूटेबल है तो हरीम जैसी लड़की का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए बाइस इफ्तिखार का। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, उनकी परेशानी तुम मत लो। मैं उनको मना लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हरीम इस रिश्ते पे राजी नहीं है तो मैं इसरार नहीं करूंगा। मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं कि तुम हरीम को बहुत खुश रखो, लेकिन अब मैं हरीम से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं काम करूं, तुम यहीं पे रुको। मैं एक बार हरीम से बात करके आता हूं। जानते हैं ना शेख फैमिली कहां और हम कहां, मैं सोच भी नहीं सकती। अरे सोचा तो मैंने भी नहीं था
और अब यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत हम पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। तुझे पता ही किस्मत की मेहरबानी है सिद्धो, क्या अपने जानते उन लोगों को? मैं फाइज को जानता हूं, हमारी अम्मी ने सदमा कैसे झेला है कि उनके अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तुमने फायज का हाथ थाम लिया तो हमारी मरती हुई अम्मी है एक मरतबा फिर से जी उठेंगी। मेरा दिल कहता है कि फायज तुम्हें खुश रख सकता है रही, ने मुझसे कहा है कि उसके घर वाले संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। तुम्हें उनका दिल जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो मेरे साथ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरा हाथ थामने का फैसला किया, ये फैसला आपने सोच समझ कर किया या महज वक्ती जज्बात का शिकार हो रहा? अरे मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि फैसला करने का वक्त इतना अहम नहीं होता जितना फैसला करने के बाद का वक्त होता है। बस इतना जान लीजिए कि मैं अपने फैसलों पे आखिरी सांस तक अटल रहने का हुनर जानता हूं। मैं आपका हाथ बहुत नेक नियति से और सच्चाई से थाम रहा हूं और जिंदगी के फैसलों में नेक नियति और सच्चाई ही जरे राह मिलती है। ऋषि भाई बहुत एतमाद करते हैं आप, नजर में बहुत मकाम है आप, मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी तरफ से किसी अंदेशे का शिकार नहीं। लेकिन क्या है? आपके घर वाले बहुत मुख्तलिफ, ऐसा ना हो कि आपका ये फैसला मेरे और मेरे घर वालों की इज्जत को बचा जाए और आप उसे दूर हो जाए। क्या ये आपको घर भरा होगा? अरे जब किसी डूबते हुए को बचाने के लिए किसी समंदर में छलांग लगाई जाती है ना, तो अपने कपड़े गीले होने का नहीं सोचते। ना लहरों की थपेड़ों से डरते हैं और ना धूप की गर्मी। अगर कोई साथ निभाने वाला हो तो आने वाला कोई भी तूफान हार मान लेता है। मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? ना होगा चर्चा किसी जुबान।